मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के ग्रामीण अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में नदियों का दोहन थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रशासन की अनदेखी ने ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। बता दें कि बरसात के समाप्त होते ही मलकडोल इलाके में जेसीबी मशीनों ने रेत उत्खनन शुरू कर दिया है, जिसके बाद यहां के ग्रामीण खुद ही सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर विरोध का मोर्चा संभालने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने साफ तौर पर मांग की है कि उनके जीवनदायिनी नदियों पर रेत का उत्खनन न हो। वहीं इस विरोध में जिला जनपद सदस्य रविशंकर सिंह ने भी मोर्चा संभाला और सरकार को चेतावनी दी कि नदियों का यह दोहन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अवैध रेत उत्खनन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए ताकि क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बरकरार रह सके। भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो रेता को हमने उठने नहीं देंगे, चाहे किसी का पछताव होगा, लेकिन यहाँ का जो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा रेत के लिए, तो रेत चक जैसा भी हो लेकिन हम उठने नहीं देंगे। तो मांग इनका मतलब जनता का कहना है कि रेत नहीं उठने देंगे। और सरपंच को विशेष ग्राम सभा का पछताव मांगते मांगते जनता थक गई, लेकिन उन्होंने ग्राम सभा का पछताव जो लीज का जो प्रस्तावित किया जाता है वो आज तक जनता को दिखाया नहीं गया है। मुझे लगता है दर्शाता है कि सरपंच मुखद्र रूप से कहा गया है कि मैं नया जो लीज पारित किया गया है उसको निरस्त करके और नया पारित करेंगे कि हम यहाँ करें तो खाना नहीं उठने देंगे। ये जनता को शासन दिया गया है, सरपंच ने कहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक मैं जनहित के जनहित संघ प्रदेश अध्यक्ष जनता का हित को हमेशा उठाते रहूंगी और जनता चाहती है कि यहाँ रेत बंद हो, रेत नहीं उठने देंगे। खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए हम लोग कल पूरी रात आज पूरा दिन शासन प्रशासन भी यहाँ आई है ना, उस पर ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करने जो दिखाया गया, पर उसने कोई निराकरण नहीं हुआ, ना सरपंच के पास कोई दस्तावेज था और पूरी तरह से अवैध रूप से लग रहा था। इसी के साथ सभी ग्रामवासियों ने मिलकर यह खदान को बंद करवाया पूर्ण रूप से। खनन हो रहा है, हम पूरे गांव वाले मिल करके रेत को पूर्णतः बंद कराना चाहते हैं। आदेश चाहे कोई भी दे, शासन दे, प्रशासन दे, चाहे जहां से भी आदेश आए, उस आदेश को गांव वाले मान्य नहीं करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है पूरी तरह से रेता बंद। जानकारी है जो ग्रामीणों के द्वारा मलकडोल रेत खदान में घूमे परिवहन के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें वो जो मलकडोल का जो रेत खदान है उसको पर्यावरण राजस्व और वन विभाग से अनुमति प्राप्त है और विधि विभाग स्वीकृत खदान है। और जहाँ तक रही बात ग्रामीणों में कोई किसी बात का कोई शंका है या फिर कोई समस्या है तो उसको मैं समझाइश दिया हूँ, जो भी अपनी बात है वो विभाग के सामने ला करके प्रस्तुत करें।